नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से यूके टेक्निकल चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं जियो का मॉडल एस दिखा दे रहे हैं आपके लिए, जियो F320 जो नया मॉडल जियो का चला है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतनी फंटेस्टिक वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि आप घर बैठे ही चार्जिंग को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं और इसकी जानकारी देते हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा जियो का 320 मॉडल है ये, और मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है। तो दोस्तों इसका समस्या देखिए क्या है इसमें। तो दोस्तों देखिए, इसमें चार्जिंग का 5.5 पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों इनमें 5 पॉइंट उगड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको किस तरीके से या कैसे चार्जिंग को लाना है, तो दोस्तों चलिए बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, चार्जिंग के लिए आपको सबसे मेन पॉइंट इसका फर्स्ट पॉइंट आपका ये है प्लस का पॉइंट जो होता है, और जियो के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट लगा देते हैं तो दोस्तों चार्जिंग बराबर होने लगती है। तो दोस्तों यहां से उड़ा हुआ है, तो तुम इस पॉइंट पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो। दोस्तों आपके पास मीटर नहीं होगा तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ डायरेक्टली, एक पॉइंट ये पहला वाला उड़ा हुआ है, तो दोस्तों आप इस पे या यहाँ पर या इस पर लगा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये ग्राउंड थोड़ा सा भी कटा हुआ है, तो ये दोस्तों ग्राउंड ये खाली पॉइंट है, तो दोस्तों इस पे आप लगा सकते हैं, तो दोस्तों बराबर चार्जिंग होगी। बट दोस्तों इस पे पॉइंटों पे लगाने के बाद इस पे चार्जिंग दिखा देगा, मगर बैटरी स्टोर नहीं होगी, परसेंट नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों परसेंट बढ़ाने के लिए आपको दूसरा तरीका बताता हूँ दोस्तों, और इसके बारे में बताता हूँ। चार्जिंग आईसी आपको इसमें कन्फर्म नहीं होगा कि कौन सी है, तो दोस्तों आपको चार्जिंग आईसी भी इसकी बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपकी चार्जिंग आईसी ये वाली है, ये वाली चार्जिंग आईसी है, कैपेसिटर है ये दोस्तों। इसका वोल्टेज यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से चार्जिंग आईसी पर यहाँ भी डायरेक्ट लगा सकते हो। यहाँ भी गड़ जाए, यहाँ भी गड़ जाए, ये भी ख़राब हो जाए, तो दोस्तों आप यहाँ पे पॉइंट पे लगा सकते हो। एक तरफ ग्राउंड होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, तो दोस्तों ग्राउंड वाले को छोड़ के पॉजिटिव पे लगा सकते हो डायरेक्ट। अगर यहाँ से तो दोस्तों उगड़ता नहीं है, अगर ये भी ख़राब हो जाती है फिर यहाँ लगाना पड़ता है। तो दोस्तों मेन पॉइंट की सप्लाई ये है प्लस वाली, और माइनस वाली आपकी ये है, तो एक माइनस पे कहीं पे भी लगा सकते हो मदरबोर्ड में, और एक प्लस वाला ये है। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ चार्जिंग स्टोर करने के लिए दूसरे पॉइंट कौन से हैं। तो दोस्तों चार्जिंग स्टोर करने के लिए पहला छोड़ के दूसरा पॉइंट ये है, इस पे दूसरा पॉइंट लगा देना है चार्जिंग का, और तीसरा वाला को यहाँ पर लगा दे रहा है, और चौथा पॉइंट दोस्तों खाली होता है इसका, इसको छोड़ के एक ग्राउंड वाला यहाँ लगा देना है। तो दोस्तों 5 पॉइंट होने, इनमें एक खाली होता है, और 4 पॉइंट में बता दे रहा हूँ दोस्तों, पॉजिटिव दूसरा वाला चार्जिंग स्टोर का, तीसरा का चार्जिंग स्टोर का, इससे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, चार्जिंग स्टोर भी होता है दोस्तों, और ये वो ग्राइंड। तो दोस्तों चौथे नंबर का खाली होता है, पाँचवें नंबर का ग्राइंड होता है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट को लगा दीजिए, चार्जिंग भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा, और चार्जिंग स्टोर भी होगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए चार्जिंग पॉइंट को लगा के दिखाता हूँ। इस तरीके से दोस्तों देखिए, मैंने ऑलरेडी ये जैक लगा दिया है। तो दोस्तों देखिए, ये जैक पे 4 तार लगा दिए हैं और चौथा खाली है दोस्तों, और इस तरीके से आपके लिए लगाना है। तो दोस्तों पॉजिटिव पे ये लगा दिया है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट दोस्तों ये वाला लगा दिया है, तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है। तो दोस्तों आइए इस चेक को लगा के और चार्जिंग टेस्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसको मैं चार्जिंग जैक को इसमें लगा दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने ये जैक लगा दिया है आपके लिए दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए,
जैक मैंने सोल्ड कर दिया है और इसमें लगा दिया है, बड़े आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों चलिए चेक करते हैं चार्जिंग को। दोस्तों मैं इसको इसकी हड्डी में लगाता हूँ, बॉडी में, कैबिनेट में। दोस्तों इसको बॉडी में लगाता हूँ, फिट करता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए पूरा वीडियो के साथ, आपको पूरा चार्जिंग और बढ़िया तरह से करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसमें चार्जिंग चलने लगी है। तो दोस्तों 37% है, तो दोस्तों इसमें परसेंट भी बढ़ जाने दीजिए, कुछ टाइम का वेट कीजिए। दोस्तों बनी रहिए पूरा वीडियो के साथ। दोस्तों आपको इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो देख के आप घर बैठे बड़ी आसानी से चार्जिंग को, जियो का ये मॉडल या ऐप 220 हो या जियो का कोई भी मॉडल हो, ज़्यादातर इसी तरीके से सारे जियो के फ़ोन चार्जिंग स्टोर और सॉफ्टवेयर और चार्जिंग तीनों काम करते हैं। तो दोस्तों चेक करते हैं कितना हो गया। अभी दोस्तों 37% है, कुछ टाइम और लगने दीजिए।